हेलो, मैं बनाने जा रही हूँ बरबटी दाल के मंगौड़े। ये बरबटी दाल है, इसको सात सात से 8 घंटे भिगो लीजिए। इसको रेउछा भी कहते हैं। दाल पीस के इसको निकाल लेते हैं। अब बनाएंगे अमकली की चटनी। जी अमकली है, इसको आधे घंटे आप भिगो दीजिए पानी से, धुल के अच्छे से। अब पानी से निकाल लेते हैं। दो तीन बार पानी से और धुल लीजिए। डालेंगे मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन, नमक स्वाद के अनुसार, पानी, अंकलिक चटनी बनकर तैयार हो गई है। हम डाल लेते हैं प्लेट में। इसमें आप चीनी या गुड़ भी डाल सकते हैं। दाल हमने पीस लिया है सारी। इसमें डालेंगे हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, पालक, पालक, खड़ा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार, अच्छे से इनको मिला लेते हैं सबको। आप इसमें हरे धनिया भी डाल सकते हैं। ऐसे इनको अच्छे से फेंक लीजिए। तेल गरम हो गए, मंगौड़े हम सरसों तेल से निकालेंगे। मंगौड़े हमें पक गए, इनको निकाल लेते हैं। ऐसे ही सारे मंगौड़े निकाल लेते हैं। बरबटी दाल के मंगौड़े बनके तैयार हो गए।